साथियों नमस्कार। अभी अभी की बड़ी खबर इस वक्त की बेहद ही बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी कैबिनेट मंत्री का निधन और भाजपा नेता का। जी हाँ, आपको बता दें कि उपाध्याय का शुक्रवार देर रात आगरा में निधन हो गया। रवि रामवीर उपाध्याय लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना से परिजन व उनके समर्थकों में शोक की लहर फैल गई है। सूचना बता दें कि रामवीर उपाध्याय लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। शुक्रवार देर रात आगरा स्थित आवास में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में आगरा के रेनबो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रामवीर उपाध्याय हाथरस के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। मायावती की सरकार में भी ये कैबिनेट मंत्री थे, इसके बाद ये भाजपा में शामिल हुए थे। रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय वर्तमान में जिला पंचायत हाथरस की अध्यक्ष है। वो अपने पीछे दो बेटी और एक बेटा छोड़ गई। लगातार 5 बार वो विधायक रहे, 4 बार प्रदेश की बसपा सरकार से ऊर्जा सहित कई अन्य विभाग मंत्री भी रह चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, शेयर लाइक करें। थैंक यू।